अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर्स पे, जो कि DHA फेज़ 2 के अपोजिट लोकेटेड है रावलपिंडी में। और आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ टोयोटा ग्रैंडी एक्स वेरिएंट। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। टोयोटा अल्टिस, इट्स अ ग्रैंडी एक्स वेरिएंट, 2022 का ये मॉडल है विद इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन। 1.8 सीसी इंजन कैपेसिटी है, जिसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है 22,000 किलोमीटर्स। और जो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है, दैट इज 79,50,000, 79,50,000 रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्रोम की स्ट्रिप्स इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना रही हैं, और जो हेडलाइट्स की कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, विद द फैसिलिटी ऑफ फॉग लैंप्स। और फ्रंट साइड पे कैम का फीचर भी अवेलेबल है। बैक साइड को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें बैक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और बैक साइड पे कैम का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। ब्लैक इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडोज और डोर्स को लॉक अनलॉक करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है, विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। सेकंड सीटर साइड का डोर भी ब्लैक इंटीरियर के साथ अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडो, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड का डोर भी ब्लैक इंटीरियर के साथ अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडो और स्टोरेज का कंपार्टमेंट अवेलेबल है। सेम फीचर्स और सेम कंडीशन के साथ बैक साइड का दूसरा डोर भी प्रोवाइड किया गया है। सो ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं ड्राइविंग सीट पे, एंड हियर इज द की ऑफ द कार। ब्लैक कलर का इंटीरियर है, जिसमें डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया है विद एसी ग्रिल, और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल हैं दो एसी की ग्रिल्स, डिजिटल वॉच, एंड्रॉयड एंटरटेनिंग पैनल प्रोवाइड किया गया है विद हैजर्ड लाइट्स बटन, और उसके बॉटम में मौजूद है एसी पैनल, जो कि बटन शेप में अवेलेबल है। ड्राइविंग साइड पे अवेलेबल है एसी की ग्रिल, पुश स्टार्ट बटन की फैसिलिटी और साइड मिरर्स को ऑपरेट करने का फीचर। स्टेयरिंग की बात की जाए, सो इट इज अवेलेबल विद सम फीचर्स, जिसकी मदद से आप अपनी राइड को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। क्रूज ट्रॉनिक का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है विद द फैसिलिटी ऑफ पैडल शिफ्टर्स, और सेफ्टी पर्पज के लिए एक एयर बैग प्रोवाइड किया गया है। स्पीडोमीटर की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद। सो हियर वी गो। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इट स्पीडोमीटर आफ्टर टर्निंग ऑन। राइट साइड पे 240 किलोमीटर्स की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है, लेफ्ट साइड पे 8,000 का RPM मीटर मौजूद है, और इसके मिड के सेक्शन में एक पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल, विच इज इन टच शेप एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए, सो इट इज वेरी वाइड, बहुत ही अनफ स्पेस अवेलेबल है इसकी फ्रंट साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसके पेडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ, और जो फ्रंट सीट्स हैं वो लेदर के स्टफ में अवेलेबल है विद टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का, और इन दोनों सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट की पोर्ट प्रोवाइड की गई है, और दो USB पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और एक पोर्शन प्रोवाइड किया गया है फॉर कैरिंग सेल फोन और वॉलेट, विद द फैसिलिटी ऑफ ऑटो ट्रांसमिशन लीवर, हैंड ब्रेक लीवर, स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किया गया है विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स, जिसके साथ मौजूद है आर्म रेस्ट, और इसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके। ड्राइविंग साइड में मौजूद शेड में अवेलेबल है मिरर, जिसमें मैनुअली लाइट ऑन ऑफ करने का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। सेम फीचर्स और सेम कंडीशन के साथ सेकंड सीटर साइड का शेड भी अवेलेबल है, और इन दोनों शेड्स के मिड में मौजूद है लाइट पैनल, विच इज़ इन वर्किंग कंडीशन, और उसके साथ प्रोवाइड किया गया है बॉक्स, जिसमें आप ग्लासेस कैरी कर सकते हैं, प्लस सनरूफ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। तो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गाड़ी की बैक सीट पे, और आपको बताता चलूँ, आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी वाइड, बहुत ही अनफ स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये फीचर अवेलेबल है, जिसमें डॉक्यूमेंट से लैपटॉप को कैरी कर सकते हैं। बैक सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और इन सीट्स के मिड में जो पैनल है इसको आप एज एन आर्म रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स। पैसेंजर्स के लिए रूफ के मिड में भी लाइट पैनल अवेलेबल है, और इसकी बैक साइड पे भी लाइट का पैनल प्रोवाइड किया गया है, जो कि वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल है। और इसकी बैक साइड पे जो पोर्शन है, यहाँ पे दो स्पीकर्स प्रोवाइड की गई हैं ऑन द बोथ एजेस। ऑब्जर्व करते हैं इसके बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी, एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस, विच इज़ वेरी वाइड।
जिसके अंदर लगेज की एक बहुत ही इनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।